एक्सरसाइज नंबर 13 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 14। नोट करिए बच्चों, ये क्वेश्चंस भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ कनेक्टेड है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चंस कह रहा है ऑब्टेन द आंसर ए टू बी इन एक्सरसाइज 7.13। यानी कि हमारा जो पिछला क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें हमने जो पॉइंट ए और पॉइंट बी फाइंड आउट किए थे, मतलब कि हमने पॉइंट ए फाइंड आउट किया था बच्चों मैक्सिमम करंट, और पॉइंट बी फाइंड आउट किया था फेज डिफरेंस। ठीक है, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। टाइम डिफरेंस भी हमने फाइंड आउट किया था साथ में। इफ द सर्किट इज कनेक्टेड टू अ हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई 240 वाट एंड 10 किलो हर्ट्ज। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मुझे दिया गया है VRMS इज इक्वल टू 240 वाट और फ्रीक्वेंसी एफ काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी बच्चों किलो हर्ट्ज में है, यानी 10 × 10³ हर्ट्ज। हैंस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी An इंडक्टर इन अ सर्किट नियरली अमाउंट टू अ ओपन सर्किट। अब देखिए बच्चों, इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट ए और पॉइंट बी को फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे बच्चों। तो पॉइंट ए हमारा था मैक्सिमम करंट, राइट है, आपको याद होगा मैक्सिमम करंट। अब देखिए मैक्सिमम करंट बच्चों कैसे मिलेगा, तो मैक्सिमम करंट आपको फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक सिस्टम्स को फॉलो करेंगे, तो याद रखने में भी काफी इजी रहेगा। सबसे पहले आप क्या करिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए। एक्सएल इज इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा 2πf × L, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था ओमेगा एल 2πf × L, दोनों में से कोई भी आप यूज कर लीजिए। 2 × 3.14, यहां पर आप डायरेक्टली 10⁴ लगा सकते हो, और एल यानी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने नोट किया था बच्चों इंडक्टर था 0.5। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.14 × 10⁴। अब अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम करंट यानी कि IM चाहिए, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे VM बाई मोड Z, तो यहाँ पे नोट करेंगे √2 × VRMS डिवाइड बाई √R² + XL का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक्सी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमें एक्सी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। तो √2 × VRMS बच्चों कितना था, 240 डिवाइड बाय √R, रेजिस्टेंस बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में मैं दिया था 100 ओहम, प्लस 3.14 × 10⁴ का होल स्क्वायर। ठीक है, और मेरे हिसाब से बच्चों अगर आप इस कैलकुलेशंस को फिनिश करते हो, तो यहाँ पे अप्रोक्स आंसर आने वाला है बच्चों 0.0011 एम्पियर। और आप नोट करिए बच्चों, ये करंट इतना कम है कि हम इस करंट को अप्रोक्स निगलेक्ट कर सकते हैं, और हम यहाँ पे ले सकते हैं 0 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम करंट है बच्चों, वो नियर अबाउट 0 होगा। ठीक है, क्योंकि आपने काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ की है, तो सिंपल है कि फ्रीक्वेंसी आई होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आया हो गया, और इंडक्टिव रिएक्टेंस इज वन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट डिक्रीज कर देगा ना, तो सिंपल सा फंडा है, करंट आ जाएगा 0, राइट है। चलिए, ये तो हमने बात की ए पॉइंट के लिए। अगर हम बी पॉइंट के लिए बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लेते हैं 10 φ, तो 10 φ = XL/R, तो वैल्यू पुट करते हैं 10 φ = XL, कितना मिला था बच्चों 3.14 × 10⁴ / 100, तो यहाँ पे लगभग 10 φ की वैल्यू आएगी 314। ठीक है, 10⁻²² कैंसिल करेंगे, और ये वैल्यू 10 φ की बच्चों इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं नोट कर सकता हूँ अप्रोक्स आंसर आने वाला है π/2, φ = π/2। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, फेज डिफरेंस अगर इतना बड़ा है, तो हम यहाँ पे टाइम डिफरेंस अगर फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अप्रोक्स इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारे पॉइंट नंबर ए और बी फिनिश होते हैं।
अब चलते हैं वापस से क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में मैं और पूछा गया था, हैंस एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एन इंडक्टर इन अ सर्किट नियरली अमाउंट टू एन ओपन सर्किट। हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव इन अ डीसी सर्किट आफ्टर द स्टेडी स्टेट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हमने नोट कर लिया कि अगर हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होती है तो आपकी जो सर्किट है वो ओपन सर्किट की तरह रिएक्ट करेगी, यानी कि उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ डज एन इंडक्टर बिहेव इन अ डीसी सर्किट आफ्टर द स्टेडी स्टेट। मतलब कि अगर हम इंडक्टर जो है वो डीसी सर्किट की तरह काम करेगा इन स्टेडी स्टेट। अब देखिए बच्चों, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, इन स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट का मतलब होता है बच्चों कि आपका जो करंट है फ्लो इन द सर्किट वो मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि I इज इक्वल टू आई एम। और अगर करंट मैक्सिमम मिल रहा है यानी कि करंट की वो आपको कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, और अगर आप किसी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हो बच्चों तो वो मिलता है आपको जीरो, यानी कि डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे अगर मैं इंडक्टर पे ईएमएफ फाइंड आउट करूँ तो बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होता था, ईएमएफ ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, जहाँ पे जो एल है वो लेंज का नियम प्रदर्शित करता था, यानी कि विपरीत दिशा प्रदर्शित करता था। तो यहाँ पे बच्चों मुझे ईएमएफ भी मिलेगा जीरो, यानी कि इंडक्टर के दो सिरों के बीच बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल रहा है जीरो। उसका मतलब कि यहाँ पे अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी तो इंडक्टर में जितना करंट फ्लो होगा, जितना दाखिल होगा उतना ही करंट बाहर निकल जाएगा। यानी कि ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे इंडक्टर सर्किट में जुड़ा ही नहीं है, ठीक है। और उसे हम कहेंगे कि अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी तो इंडक्टर एज अ डीसी सर्किट काम करेगा, और डीसी सर्किट में इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है जीरो। तो यहाँ पे भी सेम आंसर्स और रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। तो आई होप बच्चा पार्टी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 15 के साथ। थैंक यू।